अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर त्रिकुटा पहाड़ी पर माता के भक्तों के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक सुविधाएं जुटाने की कोशिश की गई है। मैं इन सुविधाओं को मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि ये दायित्व है बोर्ड का कि प्राचीन सनातन परंपरा को और समृद्ध बनाया जाए और माता की सेवा के लिए आने वाले भक्तों की यात्रा को जितना हम सुगम बना सकेंगे, मैं समझता हूं उतना ही बेहतर होगा। पिछले 3 वर्षों में मैं कहूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। इस मिट्टी ने जन आकांक्षाओं को पूरा करके जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प लिया है और नए भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे न रहे, ऐसा विश्वास यहाँ के नौजवानों में आया है। आज विकास और विरासत के सामंजस्य के साथ साथ ऐसे कार्यों को अंजाम देने की कोशिश हो रही है जिसकी कभी लोग कल्पना नहीं करते थे। तमाम दिक्कतों, कठिनाइयों, चुनौतियों के बावजूद इन कार्यों के लिए तय किए जा रहे जो मानक हैं, आने वाली पीढ़ियां अवश्य इसका लाभ उठाएंगी। स्थानीय नागरिक, व्यापारी और तीर्थयात्री सभी के जीवन में बेहतर संसाधन हमारी प्राथमिकता है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि माता के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर बरसते रहें, उनकी कृपा शक्ति से हम सब नैतिक मूल्यों पर चलना सीखें जिससे सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि समाज का भी उत्थान हो।